अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम की डिज़ाइन प्रिंसिपल्स के बारे में बात करेंगे जो बेसिकली आपके पास परसेप्शन से रिलेटेड हैं और इसको हम डाटा विजुलाइजेशन का टूल बॉक्स भी कहते हैं। बेसिकली आपके पास इस टूल बॉक्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे आपके पास परसेप्चुअल कोडिंग के एलिमेंट्स हैं, इंट्रैक्शन के एलिमेंट्स हैं और इन्फॉर्मेशन डेंसिटी के एलिमेंट्स हैं। इन्फॉर्मेशन डेंसिटी के एलिमेंट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, परसेप्चुअल कोडिंग और इंट्रैक्शन के एलिमेंट्स आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं वन बाय वन आपको डेफिनेशन भी बताता जाऊंगा इन सब की और आपको इनका पर्पस भी बताता जाऊंगा ताकि आप लोगों को ये पता चले कि इनको किस तरीके से यूज़ करते हैं और आप उनको किस तरीके से अपनी विजुअलाइजेशन में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो जब हम डाटा विजुअलाइजेशन के टूल बॉक्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है पोजिशन। पोजिशन का मतलब है आपके पास के यूनिक डिस्टिंक्ट मार्क्स जो आपके पास किसी पोजिशन को या किसी पॉइंट को आपके डाटा में शो कर सकें। जैसा कि बार चार्ट में ईच बार एक यूनिक डिस्टिंक्ट पॉइंट को बताती है, इसी तरीके से आपके पास जो है डॉट प्लॉट के अंदर आपके पास डॉट्स होते हैं, लाइन चार्ट के अंदर आपके पास पोजीशन होती है लेकिन वो आपके पास जॉइंट होती है। साइज़ आपका होता है कि आपके पास डिफरेंट साइज़ ऑफ फिगर्स या आपके पास एलिमेंट्स अवेलेबल हों। अगर सबका आपके पास एलिमेंट का साइज़ सेम होगा तो हम उसको एज अ वन सिंगल साइज़ जो है उसे काउंट करेंगे, अगर वो डिफरेंट होगा तो आपके पास वो मल्टीपल साइज़ में आएगा। तो बेसिकली साइज़ आपके पास तब येस होगा जब आपके पास डिफरेंट साइज़ अवेलेबल होंगे। इसी तरीके से ओरिएंटेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास एंगल और स्लोप, अगर आपके पास कोई ट्रायंगल या कोई चीज़ जो है एक स्पेसिफिक एंगल के ऊपर आ रही है तो आप उसको कहेंगे कि उसके अंदर ओरिएंटेशन है। टेक्सचर आपके पास अगर कोई भी आपके पास कलर्स पैटर्न्स की फॉर्म में हैं और उनके अंदर कोई लाइंस हैं, जैसे चार्ट जंक अगर आपको याद हो तो वो आपके पास टेक्सचर के अंदर आता है। शेप अगर आपके पास आपके ग्राफ में बिल्कुल एक सेम है तो हम कहेंगे कि हमारे पास शेप नहीं है, अगर हमारे पास डिफरेंट शेप्स अवेलेबल हैं हमारे चार्ट के अंदर तो हम उसे एज अ डिफरेंट शेप्स में काउंट करते हैं। कलर आपके पास अगर एक कलर है तो इट विल बी ऑलरेडी जो है आपके पास वो कलर में काउंट नहीं होगा, अगर आपके पास डिफरेंट कलर हैं परसेप्शन के अंदर तो तब आप बताएंगे कि डिफरेंट कलर्स अवेलेबल हैं, और अगर उस कलर की आपके पास शेडिंग भी है तो आप ये कहेंगे कि आपके पास उस कलर के डिफरेंट शेड्स हैं। देन हमारे पास हैं डेप्थ क्यूज़। डेप्थ क्यूज़ का मतलब है अगर आपके पास एम्बॉस टाइप के एलिमेंट्स हों जो 3D की फॉर्म में हों तो आप कहेंगे कि डेप्थ क्यूज़ आपके पास आपकी विजुअलाइजेशन में प्रेजेंट है। इसी तरीके से अगर आपके पास 3D विजुअलाइजेशन है जिसमें सरफेस है तो आपके पास आप कहेंगे कि उसके अंदर सरफेस प्रेजेंट है। मोशन का मतलब है कि आपके पास जो है एनिमेशन आ जाए आपकी विजुअलाइजेशन के अंदर और आपके पॉइंट्स जो हैं वो डायनामिक हो जाएं। हमारे पास यूजुअली क्या होता है कि हमारे पास स्टैटिक पॉइंट्स होते हैं और हमारे पास स्टैटिक विजुअलाइजेशन होती है, अगर विजुअलाइजेशन डायनामिक फॉर्म में हो तो मोशन यस होगी। स्टीरियो का मतलब है कि आपके पास पूरी विजुअलाइजेशन के अंदर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट हो, अगर एक सिंगल एलिमेंट प्रेजेंट है और एक डाटा पॉइंट से आपकी विजुअलाइजेशन बिल्डअप हो रही है तो स्टीरियो आपका उसके अंदर प्रेजेंट होगा। प्रॉक्सिमिटी का आपके पास मतलब है कि आपके पास दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में कितना आपके पास डिफरेंस है, कि हम क्या किसी डाटा पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या हम डिफरेंसेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके पास सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी का मतलब है कि दो डिफरेंट पॉइंट्स आपके पास दोनों सेम हैं या नहीं, इसी तरीके से अगर दो डिफरेंट पॉइंट सेम हैं या नहीं तो आपके पास दो डिफरेंट विजुअलाइजेशन सेम हैं या नहीं। कंटिन्यूटी का मतलब है कि आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स जो हैं आपके पास मिलाकर अगर एक विजुअलाइजेशन के अंदर डिफरेंट जैसे लाइन को बना रहे हैं या आपके पास डिफरेंट स्टैक्ड बार चार्ट है जो कंटिन्यू हो रहा है डिफरेंट डाटा पॉइंट्स के ऊपर तो आप कहेंगे कंटिन्यूटी उसके अंदर प्रेजेंट है। इसके अलावा अगर आपके पास जो चार्ट है वो बिल्कुल एक स्क्रॉल बार आपकी मूव करती जा रही है, अगर मैं टेबल यू की एग्जांपल दूं और आपके पास सारे डाटा पॉइंट्स जो हैं वो कंटिन्यूस आपका चार्ट इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे हमारे पास जो है स्टॉक मार्केट का चार्ट होता है जो आपके पास बाय द टाइम अपडेट चार्ट हो रहे होते हैं, तो आप उसे कहेंगे कि उसके अंदर कंटिन्यूटी भी है। कनेक्टेडनेस का मतलब है कि अगर आपके पास वही कंटिन्यूड चार्ट जो है वो आपके पास डिफरेंट पॉइंट्स के साथ कनेक्टेड हो और आपके पास ये डिफरेंट एरोज़ के साथ कनेक्टेड हो, जैसे हमारे पास जो है लाइन चार्ट होता है वो डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर कनेक्टेड होता है तो आप कहेंगे कि आपके पास कनेक्टेडनेस प्रेजेंट है। क्लोजर का ये मतलब है आपके पास कि क्लोजर आपके पास एक डिफरेंट एक एनवायरनमेंट के अंदर आप ये कह लें कि दो डिफरेंट विजुअलाइजेशन एक दूसरे से कितना क्लोज हैं या दो डाटा पॉइंट्स डिफरेंट टाइम के ऊपर लिए गए डाटा एक दूसरे के साथ विजुअलाइजेशन के अंदर कितना क्लोज है या उसमें कितना डिफरेंस है।
कंटेनमेंट आपका मतलब है कि आपके पास पूरी एक विंडो के अंदर कितनी चीज़ें कंटेन हुई हुई हैं। अब इसमें एस्पेक्ट आता है कि ये आपकी सिर्फ विजुअलाइजेशन को काउंट नहीं करता, ये काउंट करता है कि आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट बॉक्सेस जैसे बने हुए हों। जो टेक्स्ट विजुअलाइजेशन होती है बेसिकली वो कंटेनमेंट के अंदर इंक्लूड होती है। ये थे परसेप्चुअल कोडिंग के एलिमेंट्स। परसेप्चुअल कोडिंग के एलिमेंट्स आपके इसलिए यूज़ होते हैं कि आपके पास सिर्फ विजुअलाइजेशन जब गिवन होती है। जब आपके पास कोई भी सॉफ्टवेयर आता है तो हमारे पास इंट्रैक्शन के एलिमेंट यूज़ हो जाते हैं। इंट्रैक्शन के एलिमेंट में सबसे पहले आपके पास आता है डायरेक्ट मैनिपुलेशन। डायरेक्ट मैनिपुलेशन आपका तब यूज़ होता है जब आप डाटा से अगर डायरेक्टली अपना ग्राफ बना लेते हैं तो आप कहेंगे डायरेक्ट मैनिपुलेशन इज़ ओके और येस। इसी तरीके से अगर आपके पास इमीडिएट फीडबैक आ जाती है कि आप अपने चार्ट को बनाने के बाद रीड कर सकते हैं और आपके पास डायरेक्टली चार्ट बन गया तो आपके पास इमीडिएट फीडबैक भी येस होगी। लिंक डिस्प्ले का मतलब है कि आपके पास जो है डिफरेंट डिस्प्लेज जो हैं वो आपके पास लिंक्ड आउट हों। जैसे हमारे पास डैशबोर्ड में डिफरेंट डिस्प्ले एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं और हम डिफरेंट चीज़ें दिखाते हैं, स्टोरी बोर्ड में भी उसी तरीके से एक डिस्प्ले आता है, सेकंड डिस्प्ले, देन थर्ड डिस्प्ले। तो आप ये कहते हैं कि मेरे पास मेरी विजुअलाइजेशन के अंदर लिंक डिस्प्ले हैं। एनिमेट शिफ्ट ऑफ फोकस या इसे हम लॉगरिथमिक शिफ्ट ऑफ फोकस भी कहते हैं। तो शिफ्ट ऑफ फोकस का मतलब है अगर मेरे पास विजुअलाइजेशन एनिमेशन के अंदर आ रही है जो बार बार चेंज हो रही है तो मैं कहूँगा कि मेरा शिफ्ट ऑफ फोकस बार बार चेंज हो रहा है। देन हमारे पास डायनामिक स्लाइडर हैं। जैसे मेरे पास नीचे स्लाइडर आ रहा होता है विजुअलाइजेशन के अंदर तो मैं कहूँगा कि मेरी विजुअलाइजेशन में डायनामिक स्लाइडर है जिसको यूज़ करता मैं विजुअलाइजेशन को ड्रॉ करता हूँ। सिमेंटिक जूम का मतलब है कि अगर आप अपने विजुअलाइजेशन में जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, डाटा को फिल्टर कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं तो आप कहेंगे सिमेंटिक जूम प्रेजेंट है। फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि अगर आपके पास जो है फोकस और कॉन्टेक्स्ट दोनों चेंज हो रहे हैं, जैसे अगर कोई एनिमेशन डायनामिक में चेंज हो रही है तो उसका फोकस भी चेंज होगा और कॉन्टेक्स्ट भी साथ साथ चेंज होता जाएगा। डिटेल्स ऑन डिमांड का मतलब है कि अगर आप अपनी मर्जी से अपने सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए अपने चार्ट के कलर चेंज कर सकते हैं, साइज़ चेंज कर सकते हैं और फर्दर चीज़ें चेंज कर सकते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपके पास डिटेल्स ऑन डिमांड जो है प्रेजेंट है। आउटपुट दो इनपुट का मतलब है कि आपके पास अगर आप डाटा से जो आपने विजुअलाइजेशन बनाई है और वापस उसी विजुअलाइजेशन से आप डाटा बना सकते हैं तो आप कहेंगे आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट मेरे चार्ट के अंदर जो है वो ठीक है। तो ये थे डिफरेंट डाटा विजुअलाइजेशन के पॉइंट्स और इन्हीं पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए जो है डिफरेंट विजुअलाइजेशन के ऊपर वर्कआउट करते हैं। जैसा कि मैं आपको थोड़ी यहाँ पे एग्जांपल दे दूँ, पहली एग्जांपल है स्टार फील्ड की। अगर आप देखें तो स्टार फील्ड के अंदर आपके पास जो है पोजीशन हमने यहाँ पे यस लिखा हुआ है क्योंकि डिफरेंट पॉइंट्स हैं, साइज सबका सेम है तो हमारे पास नो है, ओरिएंटेशन नहीं है, टेक्स्चर नहीं है, शेप सबकी सेम है तो नहीं है, कलर हमारे पास डिफरेंट है तो येस हो गया। मोशन इस वजह से है क्योंकि हमारे पास साइड के ऊपर अगर आप देखें तो मैं डिफरेंट एलिमेंट्स के थ्रू उन्हें मूव कर सकता हूँ, एनिमेट कर सकता हूँ। प्रॉक्सिमिटी भी है, सिमिलैरिटी भी है, आप देखें डायरेक्ट मैनिपुलेशन है, इमीडिएट फीडबैक है, लिंक डिस्प्ले है क्योंकि जो है साथ एरो से जो स्लाइडर है उसे मूव करता जाऊंगा और सिमेंटिक जूम भी कर सकता हूं मेरे पास गिवन है और डिटेल ऑन डिमांड और आउटपुट इज इक्वल टू इनपुट भी है। सो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन दी सॉफ्टवेयर अगर आप देखें तो आपके पास जो है डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से हमारे पास ये चीज़ें येस और नो है। इसी तरीके से एक मेरे पास सरफेस वाली एग्जांपल है कि अगर आप देखें कि इसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं नीचे आपके पास जो है 3D एक सरफेस बनी हुई है जो हमारे पास डिफरेंट पैटर्न्स में है तो हम इस वजह से कहते हैं यस, क्योंकि 3D है और ये जो मेरे पास एनिमेटेड होगी क्योंकि राइट साइड या लेफ्ट साइड पर जाने के लिए इन एलिमेंट्स को डायनामिक होना पड़ेगा तो इस वजह से मेरे पास मोशन भी येस है। कंटेनमेंट अगर देखें तो मैं जो बात कर रहा था कि डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर आपके पास डिफरेंट टेक्स्ट लिखा हो तो यहाँ पे अगर आप देखें डिफरेंट बॉक्सेस के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है और वो टेक्स्ट जो है हर कोई एक दूसरे से डिफरेंट है और डिफरेंट कंटेनर्स के अंदर वो डाटा एनक्लोज्ड है तो इस वजह से कंटेनमेंट आपके पास यस है। इसी तरीके से अगर आप देखें शिफ्ट ऑफ फोकस भी इसके अंदर यस है। शिफ्ट ऑफ फोकस क्यों यस है, क्योंकि जब मैं एक साइड की वॉल को देखूंगा और मैं दूसरी साइड की वॉल के ऊपर मूव करूंगा तो मेरे पास एक्चुअली जो है वो शिफ्ट ऑफ फोकस जो है वो चेंज हो जाएगा और जो ही शिफ्ट ऑफ फोकस मेरे पास चेंज हुआ तो मेरा फोकस प्लस कॉन्टेक्स्ट भी चेंज हो गया तो इस वजह से मैंने ऐसे कहा कि मेरे पास जो है ये दोनों चीज़ें मेरे पास यस हैं। तो आपके पास डिफरेंट चार्ट्स या डिफरेंट एलिमेंट्स की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ये यस और नो होते जाते हैं। ट्री मैप की भी एक एग्जांपल है मेरे पास जिसके अंदर अगर मैं देखूं तो मेरे पास ट्री मैप के अंदर डिफरेंट पोजीशन है, साइज़ है, टेक्सचर है और इसके अलावा देखें आपके पास कलर भी है, मोशन भी है क्योंकि ये एनिमेटेड होंगे और प्रॉक्सिमिटी भी है, कंटेनमेंट है कि डिफरेंट एक कंटेनर के अंदर कंटेन्ड है क्योंकि ये डिफरेंट बॉक्सेस हैं और देखें इस पे शिफ्ट ऑफ फोकस नहीं है क्योंकि ये डायनामिकली चेंज इस टाइम के ऊपर जो है एक स्टैटिक विजुअलाइजेशन में चेंज नहीं हो रहे, डायनामिक स्लाइडर है नीचे मूव हो रहा है और डिटेल्स ऑन डिमांड भी है कि अपनी मर्जी से किसी बॉक्स को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। तो बेसिकली डिपेंडिंग के हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है उसकी बेसिस के ऊपर जो है हम अपनी विजुअलाइजेशंस को जो है ड्रॉ करते हैं
और हम उनके परसेप्शन के एलिमेंट्स लेते हैं। और एक एग्जांपल मेरे पास जो है हाइपरबोलिक ट्री की है, जो एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। इसमें देखें शिफ्ट ऑफ फोकस यस है, क्योंकि ये जो आपके पास राइट साइड पे बना हुआ आ रहा है, ये आपके पास डायनामिक होता है, ये एक जिफ फॉर्मेट में जो मूव करता है, इस वजह से इसको हमने यस लिखा है। तो आपके पास डिपेंडिंग कि हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू इन चीज़ों को बिल्डअप कर रहे हैं और हमारे पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो हम ये हैं ये चीज़ें परसेप्चुअल कोडिंग या इंट्रैक्शन की उसके अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसके अंदर आज हमने देखा है कि किस तरीके से हम जो है परसेप्शंस की टेक्निक्स को, बेसिकली परसेप्शंस और प्लस इंट्रैक्शन की टेक्निक दोनों को यूज़ करते हुए अपने विजुअलाइजेशन के अंदर की डिज़ाइन प्रिंसिपल्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे YouTube चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें। शुक्रिया।